हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ रफ़ीक अहमद, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और इस ब्लॉग में आप लोगों को लाया हूँ हाथी वाला पार्क, जो कि इसके कई नाम है, ग्रीन पार्क है और प्रेरणा स्थल है, फिर ये मायावती पार्क है। तो ये जो है नोएडा सेक्टर 95 में है, यानी सेक्टर 16A के अपोजिट साइड में है। और इसकी जो एंट्री फीस है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, और क्या टाइमिंग रहता है और किस दिन जो है वीकेंड में क्या टिकट रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये अंदर जाने के लिए गेट नंबर 5 है, बस ये एंट्रेंस के लिए, पब्लिक एंट्रेंस के लिए ना सिर्फ 5 नंबर का गेट है। जब एंटर करते ही सबसे पहले जो है ना ये आपको मिलेगा, ये देखिए, और क्लीन, बेहतरीन क्लीन है। और पार्क जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीन पार्क नाम है तो ग्रीन तो है ही। ये देखिए, शाम को लोग आते हैं यहाँ पे, और कैमरा आप नहीं अंदर ला सकते हैं, लेकिन है कि खाना पीना आप सारी जो है अंदर ला के और बैठ के आप खा सकते हैं। खाना पका नहीं सकते हैं, पका हुआ खाना जो है ला के आप यहाँ पे खा सकते हैं, बैठ के पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत है और सफाई बहुत बेहतरीन है। ये मायावती जी ने जो है 14 अक्टूबर 2011 को इसको जो है राष्ट्र दलित स्मारक के नाम से, प्रेरणा स्थल के नाम से जो है इसको उद्घाटन किया था। और काफ़ी लंबे चौड़े एरिए में है, 5 नंबर गेट से जो है, ये 5 नंबर गेट है और सिर्फ जो है वो पब्लिक के एंट्रेंस जो है वो 5 नंबर गेट से है। एंट्री टिकट बता देता हूँ, जब ये 2011 में ओपनिंग हुई थी तब 5 रुपये का टिकट था, और आज जो है अगर आप वीकेंड में नहीं आते हैं, नॉर्मल डे पे आते हैं मंडे से फ्राइडे, तो 15 रुपये लगेगा, और अगर आप सैटरडे संडे आते हैं तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। और सबसे एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कार से आते हैं तो आपको पार्किंग की समस्या आने वाली है, क्योंकि पार्किंग आपको सर्विस रोड या मेन रोड के जो साइड में है वहाँ अपने रिस्क पे आपको पार्क करनी पड़ेगी। और बाइक की थोड़ी सी स्पेस है तो बाइक के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाइक की जो पार्किंग है वो अंदर है तो वो तो मुश्किल नहीं है, वो ठीक है, लेकिन कार की समस्या आ सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से आप लोग थोड़ा सा देख लेना। मेट्रो स्टेशन जो है वो नियर सेक्टर 18 है, वहाँ पार्क कर सकते हैं आप। ये देखिए जो जीने में साइड एक बाउंड्री लगा हुआ है उसमें भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत जो है नक्काशी वाला पत्थर लगा हुआ है। और अब ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं और क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। खूबसूरत बहुत है और सुकून है, और सफाई तो आप देख ही रहे हैं, कहीं पे भी आपको गंदगी नज़र नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो है आप धूप में आए हैं, दिन में आए हैं, तो ये छांव वाला एरिया है, आप बैठ सकते हैं इत्मीनान से। आप साथ में पानी बोतल ज़रूर लाएं, अंदर आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिलने वाला है, आप जो चीज़ साथ में लाएंगे वही चीज़ जो है आप खा सकते हैं। हाँ, अंदर गेट के बाहर जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जब आप टिकट लेने के बाद जब एंटर करेंगे तो आप बाहर जाएंगे तो फिर दोबारा आपको आने के लिए आपको दोबारा टिकट लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप खाने पीने के अगर आपको लाना है तो बाहर से ही आप परचेज पहले ही कर लें। और ये देखिए खूबसूरती, ये मायावती जी और भी ये सारे मूर्ति लगे हुए हैं, और ऊपर के नज़ारे कुछ इस तरह से है। ये एक रोशनदान कहते हैं वो बना हुआ है ऊपर, और ये सारी चीज़ें इसमें जो है लिखा हुआ है, और खूबसूरत बहुत। और ये देखिए अब दूसरा पार्ट इसका जो खूबसूरती का है वो तो बीच सेंटर में है, और ये जो है ये इसका साइड राइट साइड हिस्से में है पार्क के। और ये वाला ऊपर जाके देखते हैं अब यहाँ पे क्या चीज़ है और क्या ग्रीनरी है। ओह,
बड़ा ही खूबसूरत है। वर्कर काम करते रहते हैं, घासों को मेंटेन करते रहते हैं, पानी डालना, उसकी जो है एक लेवल पे काटते रहना, वो सारी चीज़ें जो है होता रहता है। तो ये अब जो है आने के लिए यहाँ पे आपको कार की पार्किंग जो है वो नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है, लेकिन जो पब्लिक के लिए खोला गया है वो एक लिमिटेड स्पेस दिया हुआ है। बस यही स्पेस जो है वो पब्लिक के लिए है, जो आप वहाँ से देख रहे हैं उस स्पेस से लेके वहाँ तक, बस उसी स्पेस से जो है पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। बाकी जो है वो इनके अपने काम के लिए है, ऑफिसेस हैं इनके डिपार्टमेंट के। पार्क जो है वाकई बहुत खूबसूरत है और टाइम स्पेंड करने के लिए ना बहुत बेहतरीन जगह है। और काफ़ी देख रहे हो आप अपने आँखों से खुद देख रहे हैं कि क्या खूबसूरती है। अगर शाम के टाइम आते हैं, अभी तो मैं शाम को नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा सा पहले आ गया, तो थोड़ी धूप है अभी, लेकिन हाँ शाम को आप आएँ या फिर जब मौसम वैसे ही सर्दियों वाला रहे तब आप दिन में भी आ सकते हैं, तब जो है वो फुल इन्जॉय आप करेंगे। और काफ़ी खूबसूरत है, साफ़ सफाई बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे गंदगी जो है वो मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आया। और वर्कर लगे हुए हैं, काम वाम करते रहते हैं, इसके वजह से भी जो है वो साफ़ सफाई है। यानी 15 रुपये खर्च करके आप फुल इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी देखिए मेन चीज़ है, जब आप हरियाली के बीच में रहते हैं ना तो मन भी हरा रहना चाहिए। यानी आप काम छोड़ के आप अपना टाइम स्पेंड दे रहे हैं तो वो टाइम फुल इन्जॉयमेंट आनी चाहिए, तो वो चीज़ है यहाँ पे, आपको सुकून मिलने वाला है। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर जल्दी मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पे। तब तक रखें अपना आप सब लोग ख्याल। बाय।